बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स ग्रेड 5 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसके हमने यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस की आज एक्सरसाइज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज वो स्टार्ट करनी है। तो आइए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ये रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक था करेक्ट ऑप्शन, यानी इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने ठीक करना है। इसमें देखिए ये पार्ट है, वी पुट स्पेस आफ्टर एवरी डैश डिजिट्स इन नंबर्स, यानी कि जो डिजिट नंबर्स हमारे पास लिखे होते हैं उनमें से हम स्पेस जो है वो के कितने नंबर्स के बाद जो है वो स्पेस रखे। तो इसमें ऑप्शन में लिखा है 1, 2 पे लिखा है 2, 2 पे 3 और 3 पे 4 और 4 नंबर पे लिखा होगा 16। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आएगी कि 3 डिजिट के बाद हम स्पेस रखते हैं, तो वो कुछ स्पेस आफ्टर एवरी 3 डिजिट इन नंबर्स। अब ये पता द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 985,621 इज डैश। इसमें ये जो लिखा हुआ है नंबर 985,621, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू पूछ रही वो क्या है इसकी, ये 2 की, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 20। सेकंड पार्ट इसमें आएगा। अब सी पार्ट है, इन 856,211 द डिजिट डैश इज एट 1000 प्लेस। इसमें पूछे जो 1000 प्लेस पे जो है वो डिजिट कौन सा है, तो इसमें जो जो ये 6 जो है ये जो है वो इसे वो जो है वो 1000 प्लेस पे है डिजिट, तो ये हम 3 ऑप्शन पे टिक करेंगे। अब ये पार्ट है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय डैश वी पुट 3 जीरोज एट टू द राइट साइड। इसमें पूछे अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कौन सा नंबर है जिसके राइट साइड पे जो होते हैं वो 3 0 आते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन पे हम टिक करेंगे कि 1000 जो है इसके राइट साइड पे 3 0 आते हैं। अब ये बात है, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय डैश वी रिमूव 1 0 फ्रॉम द राइट साइड। इसमें वो कह रहे हैं कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम डिवाइड करते कर रहे हैं, तो इसके हम 1 0 जो है वो रिमूव कर दें राइट साइड पे, वो कौन सा नंबर है। व्हेन वी डिवाइड अ नंबर, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं बाय वो नंबर हमने बताना है उसके रिमूव कर दें, वो रिमूव 1 0 फ्रॉम द राइट साइड, उसके राइट साइड से 1 0 जो है वो हम रिमूव कर दें, तो वो कौन सा नंबर है। तो इसके नंबर 1 ऑप्शन पर हम टिक करेंगे 10 की जो राइट साइड से हम 1 0 जो है रिमूव करते हैं, तो ये जो नंबर 1 है वो इसके डिवाइड नंबर है। व्हेन वी डिवाइड आ नंबर बाय डैश वी रिमूव 1 0 फ्रॉम द राइट साइड, तो नंबर 1 ऑप्शन जो है वो इसमें आएगी 10। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ रिव्यू एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, ये जो आपको नंबर दिए हुए हैं इनको आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ जोन 1 इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये पार्ट है 734,123, इसको वर्ड्स की फॉर्म में से लिखेंगे 734,123। अब ये पार्ट है 965,129, इसको वर्ड्स की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे 965,129। अब सी पार्ट है 982,009,
इसको वर्ष के फाइनेंशियल लिखेंगे 982,009। अगली पार्ट है 912,011। इसको वर्ष के फाइनेंशियल लिखेंगे 912,011। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि इनको आप पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है, यानी कि ये एडिशन के क्वेश्चन हैं, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए पार्ट है, ये एडिशन के क्वेश्चन है, इनमें हमने नंबर्स को ऊपर नीचे लिख के इनको ऐड करना है। इसका जो फर्स्ट नंबर है वो है 212121, यानी कि 212,121, और सेकंड नंबर है 506,234। फिर ऊपर जाकर हम इनको ऐड करेंगे, तो ये देखो 1 और 4 को ऐड किया तो ये हो गया 5, 2 और 3 को ऐड किया तो ये हो गया 5, 1 और 2 को ऐड किया तो 3, 2 और 6 को ऐड किया तो 8, 1 और 5 को ऐड किया तो 6, और 2 का 2 वैसे वैसे नीचे है, क्योंकि इसके नीचे डिजिट कोई नहीं। तो इसका इसका ए पार्ट का आंसर है 268355। अब बी पार्ट है, उसका फर्स्ट नंबर है 18315, और सेकंड नंबर है 102376। देखिए ऊपर नीचे लिखे हमें ऐड करेंगे, 5 और 6 को ऐड किया तो ये आ गया 11, 1 लगा 1 कैरी, 1 और 7 8 में 1 कैरी डाला तो 9, 3 और 3 6, और 8 और 2 को ऐड किया तो ये हो गया 10, 0 लगा 1 कैरी, और 1 इसके नीचे 0 है तो ये देखिए 1, तो ये 1 में हमारे पास जो 1 कैरी बचा वो डाल देंगे 1 और 1 2, और ये 1 का 1 वैसे वैसे नीचे आ गया। इसका बी पार्ट का आंसर है 120691। अब सी पार्ट है, सी पार्ट का जो फर्स्ट नंबर है वो 727191, और सेकंड नंबर है 92921। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 9 और 2 11, 1 लगा 1 कैरी, 1 और 9 10, 10 में 1 कैरी डाले हो गया 11, 1 लगा 1 कैरी, 7 और 2 9, 9 में 1 कैरी डाला तो ये 10, 10 का 0 लगा 1 कैरी, और 9 और 2 11, और 11 में 1 कैरी डाला तो ये हो गया 12, 2 लगा और 1 कैरी। अब 7 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। इस तरह सी पार्ट हमारे पास आंसर है 820112। अब डी पार्ट है, डी पार्ट का जो फर्स्ट नंबर है 139657, और सेकंड नंबर है 247777। अब इनको भी हम ऐड करेंगे तो 7 और 7 14, 4 लगा 1 कैरी, और 5 और 7 को ऐड करें तो ये गया 12, 12 में 1 कैरी डाले तो गया 13, 3 लगा और 1 कैरी, और 6 और 7 को ऐड करें तो ये गया 13, 13 में 1 कैरी डाले तो ये गया 14, 4 1 लगा। अब 9 और 7 इनको ऐड किया तो ये 16, 16 में 1 ऐड किया तो ये 17, 17 का 7 लिखेंगे 1 कैरी, और 3 और 4 7, 7 1 कैरी डाला तो योगे 8। अब 1 और 2 के ऐड करें तो योगे 3। इस तरह डी पार्ट का आंसर होगा 387434। अब ई पार्ट है, ई पार्ट के नंबर हैं, फर्स्ट नंबर है 532481, और सेकंड नंबर है 100008। अब इनको ऐड करेंगे तो 1 और 8 को ऐड किया है तो हो गया 9, और 8 का 8, और 4 का 4 नीचे आ गया क्योंकि नीचे नीचे 0 लिखी है, और ये 2 का 2, 3 का 3, और 5 और 1 के क्योंकि 6। इस तरह ई पार्ट में हमारे पास आंसर है 632489। अब एफ पार्ट है, एफ पार्ट के जो फर्स्ट नंबर है वो है 200454, और सेकंड नंबर जो है 126654। इन दोनों को भी हमें ऐड करेंगे तो 4 और 4 को ऐड किया तो ये 8,
5 और 5 का 10 0 लगा 1 कैरी, 4 और 6 10, 10 में 1 कैरी डाले तो गया 11 1 और 1 कैरी, और 6 में 1 कैरी डाले तो गया 7, 0 2 को ऐड किया तो 2 आ गया, और 2 और 1 का ऐड किया तो ये 3। तीसरा एफ कार्ड का हमारे पास आंसर है 327108। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का यूनिट नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी पार्ट को आपको सॉल्व करना है। ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, जिनकी सब माइनस करना है, तो वन नंबर नंबरों को ऊपर नीचे लिख के इनको माइनस करेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इसका ए पार्ट है इसके ए पार्ट का जो फर्स्ट नंबर है 6 7 5 9 2 1 और सेकंड नंबर है 3 1 4 1 2। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए ये 1 और 2, 1 में से 2 माइनस नहीं होता, तो हम 2 अपने कैरी 1 में डालेगा तो ये हो जाएगा 11 में से 2 माइनस करें तो होगा 9। इधर बाकी 2 ने अपने कैरी चूँकि 1 में डाले थे इसलिए इधर हो गए 1, बाकी बचा। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ गया 0, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, 5 में से 1 माइनस किया तो 4, 7 में से 3 माइनस किया तो 4, और 6 वैसे वैसे नीचे आ जाएगा। इस तरह ये बार के हमारे पास आंसर है 6 4 4 5 0 9। अब स्टूडेंट बी पार्ट है, इसका फर्स्ट नंबर 9 8 6 5 4 3 और सेकंड नंबर है इसका 6 5 2 1 9। अब इन दोनों नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस ये देखिए अगर 3 में से 9 जो है वो माइनस नहीं हो सकते, तो 4 आपने कैरी डालेगा 3 में तो हो गया 13, 13 में से 9 माइनस तो ये हो गया 4। अब 4 ने अपना चूँकि कैरी 3 को दिया था इसलिए यहाँ पे बाकी 3 बचे, 3 में से 1 माइनस किए तो 2, 5 में से 2 माइनस किए तो 3, 6 में से 5 माइनस किए तो 1, और 8 में से 6 माइनस किए तो 2, और 9 का 9 वैसे को वैसे नीचे लिखे। इस तरह बी पार्ट का आंसर हमारे पास आया 9 2 1 3 2 4। अब सी पार्ट है, सी पार्ट का फर्स्ट नंबर है 1 0 8 7 6 1 और सेकंड नंबर है 7 0 0 2 1। इनको भी हम दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 में से 1 माइनस किया है तो 0, 6 में से 2 माइनस किया तो 4, 7 में से 0 माइनस किया तो 7, 8 में से 0 माइनस किया तो 8, और 0 में से 7 माइनस नहीं होती इसलिए 1 अपने कैरी डालेगा 0 में तो ये हो जाएगा 10, तो 10 में से 7 माइनस किया तो 3। अब इधर 1 ने अपना कैरी दे दिया 0 को तो इधर बाकी 0 बचा, इसलिए इसका 0 का 0 ही लिखेंगे। इस तरह सी पार्ट का आंसर हमारे पास है 3 8 7 4 0। अब डी पार्ट है, इसका फर्स्ट नंबर है 7 8 4 6 1 0 9 और सेकंड नंबर है 5 9 1 0 8 9। अब इन दोनों नंबरों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये देखिए 9 में से 9 माइनस किया तो 0, अब 0 में से 8 माइनस नहीं होता तो 1 अपने कैरी डालेगा 0 में तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 माइनस किया तो 2, अब इधर बाकी काट हो गया 0 बचे, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 ही आए, 6 में से 1 माइनस किया तो 5, अब 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकते तो हम क्या करेंगे 8 अपना कैरी डालेगा 4, तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 माइनस किए तो 5, अब इधर 8 जो है इसने अपना चूँकि कैरी 4 में डाला था इसे इधर बाकी बचा 7, तो
काटोगे 7 बचे 7 में से 5 माइनस किए तो 2। इस तरह हमारे पास डी पार्ट का आंसर है 255020। स्टूडेंट्स सॉरी मैंने आपको डी पार्ट के जो फर्स्ट नंबर है वो 7 के साथ बताया, तो 7 नहीं 8 है, 8 से स्टार्ट होना है, 846109। अब ई पार्ट के जो फर्स्ट नंबर है वो 865439 और सेकंड नंबर है 761212। अब इन दोनों नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 2 माइनस किए तो 7, 3 में से 1 माइनस किए तो 2, 4 में से 2 माइनस किए तो 2, 5 में से 1 माइनस किए तो 4, 6 में से 6 माइनस किए तो 0 और 8 में से 7 माइनस किए तो 1। ऐसे हमारे पास ई पार्ट का आंसर है 104227। अब एफ पार्ट का जो फर्स्ट नंबर है वो है 696349 और सेकंड नंबर है 288888। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दो नंबर्स को, तो ये देखिए 9 में से 8 माइनस किया तो 1, हमें 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकते तो 3 अपने कैरी डालेगा 4 में तो भेजेगा 14, 14 में से 8 माइनस किए तो 6 और इधर बाकी कट हो के 3 ने अपने कैरी चूँकि 4 को दे दी, इधर 2 बचा बाकी 2 में से 8 जो है वो माइनस नहीं हो सकता, तो ये अपना 6 तो 6 अपने कैरी 2 में डालेगा तो ये हो जाएगा 12 में से 8 माइनस किए तो 4, अब इधर बाकी काट हो गए 5 को, जब 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकती तो 9 अपने कैरी डाली 5 में डाले हो तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 माइनस किए तो 7, अब इधर काट हो गए 8 बाकी बचा, 8 में से 8 माइनस किए तो 0 और 6 में से 2 माइनस किए तो 4। इस तरह हमारे पास एफ पार्ट का आंसर है 407461। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ, यूनिट नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग, ये पास थी हम इनको आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है 1 2 3 5 6 मल्टीप्लिकेशन 1 2 2 यानी कि 123,056 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 122 के साथ, तो ये देखिए ये नंबर 1 2 3 5 6 इसको ऊपर लिखेंगे उसको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना 122 के साथ, तो हम एक डिजिट आंसर 2 लेते हैं, इसको ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं इनके साथ 1 by 1 आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 2 6 12 2 लगा 1 कैरी, 5 2 10 10 में 1 कैरी डाला तो 11, 1 लगा 1 कैरी, 3 2 6 6 में 1 कैरी डाला तो 7, 2 2 4 और 2 1 2। अब सेकंड डिजिट ऊपर वाले सारे नंबर के साथ 1 by 1 मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सेकंड को मल्टीप्लिकेशन करने से पहले जो फर्स्ट डिजिट है उसके नीचे हम 0 लिखेंगे। अब 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है 6 2 12 2 लगा 1 कैरी, 5 2 10 10 में 1 कैरी डाले तो 11, 1 लिखा 1 कैरी, 3 2 6 6 में 1 कैरी डाले तो 7, 2 2 4 और 2 1 2। अब थर्ड नंबर है 1 1 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करने ऊपर वाले सारे नंबर्स के साथ, तो जो फर्स्ट 2 नंबर्स होंगे इनके नीचे हम 0 2 लिख देंगे। अब यहाँ इधर से 1 6 6 1 5 5 1 3 3 1 2 2 और 1 1 1। अब हम इनको ऐड करेंगे
इन नंबर्स को, टू का टू, वन और टू थ्री, सेवन वन और सिक्स फोर्टी, फोर लिखा वन कैरी, और फोर सेवन फाइव को ऐड किया तो योगे सिक्सटीन, सिक्सटीन में वन कैरी डाला तो योगे सेवनटीन, सेवन लगा वन कैरी, और टू फोर और थ्री को ऐड करे तो होता है नाइन, नाइन में वन कैरी डाला तो योगे टेन, टेन का जीरो लगा वन कैरी, टू और टू फोर, फोर में वन कैरी डाला तो फाइव, और ये वन का वन वैसे कि वैसे नीचे आ गया। तो सर ये पार्ट का हमारे पास आंसर है वन फाइव जीरो सेवन फोर थ्री टू। अब बी पार्ट है, बी पार्ट में है कि सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी वन, इसको मल्टीप्लिकेशन करना हंड्रेड के साथ, तो ये नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्स फाइव सेवन एट वन, इसको मल्टीप्लिकेशन करना हंड्रेड के साथ। तो सबसे पहले जीरो डीजे जीरो के ऊपर वाले सारे नंबर्स के साथ वन बाई वन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये जीरो वन सा जीरो, जीरो एट सा जीरो, जीरो सेवन सा जीरो, जीरो फाइव सा जीरो, जीरो सिक्स सा जीरो। अब सेकंड कौन सा है हमारे पास है डिजिट जीरो, फिर जीरो के साथ भी ऊपर वाले सारे नंबरों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो फर्स्ट के नीचे हम जीरो लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम जीरो वन सा जीरो, जीरो एट सा जीरो, जीरो सेवन सा जीरो, जीरो फाइव सा जीरो, जीरो सिक्स सा जीरो। अब वन के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट टू डिजिट के नीचे जीरो लिख लेंगे, अब वन वन सा वन, वन एट सा एट, वन सेवन सा सेवन, वन फाइव सा फाइव, और वन सिक्स सा सिक्स। अब इन नंबरों को ऐड करेंगे, तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, वन का वन, एट का एट, सेवन का सेवन, और फाइव का फाइव, और सिक्स का सिक्स, वैसे के वैसे लिख लेंगे सिक्स, क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं। तो इस तरह हमारे पास बी पार्ट का आंसर है सिक्स फाइव सेवन एट वन जीरो जीरो। अब सी पार्ट है, सी पार्ट है के नंबर है टू सिक्स टू एट टू फाइव, इसको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, फाइव टू टू, यानी कि टू हंड्रेड सिक्सटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को मल्टीप्लिकेशन करेंगे फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू के साथ। तो ये मेरे नंबर इस तरह लिखे, तो सबसे पहले किसके साथ करना है, जो हमारे पास डिजिट है टू, टू से ऊपर वाले सारे नंबर्स के साथ वन बाई वन जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो फाइव टू फाइव ज़ा टेन, जीरो लगा वन कैरी, टू टू ज़ा फोर, फोर में वन कैरी डाला तो फाइव, अब एट टू टू एट ज़ा सिक्सटीन, सिक्स लगा वन कैरी, टू टू ज़ा फोर, फोर में वन कैरी डाला तो फाइव, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू लगा वन कैरी, और टू टू ज़ा फोर, फोर में वन कैरी डाला तो ओके फाइव। अब सेकंड एज टू, टू को मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम फर्स्ट के नीचे एक जीरो लिख लेंगे, फर्स्ट डिजिट के नीचे, तो आप इसको टू को भी ऊपर वाले सारे नंबरों के साथ वन बाई वन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टू फाइव ज़ा टेन, जीरो वन कैरी, और टू टू ज़ा फोर, फोर में वन कैरी डाला तो होगी फाइव, टू एट ज़ा सिक्सटीन, सिक्स लगा वन कैरी, टू टू ज़ा फोर, फोर में वन कैरी डाला तो होगी फाइव, अब टू हो गए फाइव, अब टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू लगा वन कैरी, और टू टू ज़ा फोर, फोर में वन कैरी डाला तो योगे फाइव। अब जो है थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है फाइव, फाइव के ऊपर वाले नंबर के साथ वन बाई वन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टू डिजिट इनके नीचे हम जो हैं टू ज़ीरो लिख लेंगे, अब फाइव के साथ कहते फाइव, फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, फाइव लगा टू कैरी, फाइव टू ज़ा टेन, टेन में टू कैरी डाले तो ट्वेल्व, टू वन कैरी, एट फाइव ज़ा फोर्टी, फोर्टी में वन कैरी डाला तो फोर्टी वन, वन लगा फोर कैरी, फाइव टू ज़ा टेन, टेन में फोर ऐड किए तो ये फोर्टीन, फोर लगा वन कैरी, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, थर्टी में वन कैरी डाले तो ये थर्टी वन, वन लिखा थ्री कैरी, और फाइव टू ज़ा टेन, टेन में थ्री कैरी डाला तो थर्टीन, देखिए थर्टीन लिखा। अब उन सारों का हम ऐड करेंगे, ये देखिए जीरो का जीरो, फाइव का फाइव, सिक्स फाइव और फाइव को ऐड करें तो ये हो गया सिक्सटीन, सिक्स लगा वन कैरी, और फाइव सिक्स और टू को ऐड करें तो ये हो जाएगा थर्टीन, थर्टीन में वन कैरी डाला तो ये हो गया फोर्टीन, फोर लगा वन कैरी, टू फाइव और वन को ऐड किया तो ये हो गया एट, एट में वन कैरी डाला तो ये हो गया नाइन,
अगर 5 2 और 4 को ऐड किया तो ये होगी 11, 1 लगा 1 कैरी और 5 और 1 को ऐड किया तो ये 6, 6 में 1 कैरी डाला तो ये 7 और ये 3 का 3 और 1 का 1 नीचे वैसे के वैसे। इस तरह हमारे पास जो सी पार्ट है इसका आंसर है 1371194650। अब डी पार्ट है, डी पार्ट के 837564 इसको मल्टीप्लिकेशन करना है 519 के साथ। ये इस तरह के नंबर लिखने हैं, इनको मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले जो डिजिट है वो 9 है, 9 के ऊपर वाले जो नंबर जितने भी हैं सबके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 9 4 36, 6 लगा 3 कैरी और 9 6 54, 54 में 3 कैरी डाला तो 57, 7 लगा तो 5 कैरी और 9 5 था 45 में 5 कैरी डाला तो 50 लगा 5 कैरी और 7 9 था 63 में 5 कैरी डाला तो 68 आया, 68 में 8 लिखा 6 कैरी 27 में 6 कैरी डाला सिक्सटी थ्री में 5 कैरी डाला तो जो होगी 68 लगा 6 कैरी और 9 3 27 में 6 कैरी डाला तो ये हो गए 33 का 3 लिखा और 3 कैरी और 9 8 72 में 3 कैरी डाला तो ये हो गए 75। अब नेक्स्ट डिजिट है 1 के ऊपर वाले नंबर्स के साथ 1 by 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इस तरह पहले जो हमारे पास जो नंबर लिखा है उसके नीचे हम 0 लिखेंगे। अब 1 के साथ क्या थे मल्टीप्लिकेशन, 1 4 4, 1 6 6, 1 5 5, 1 7 7, 1 3 3 और 1 8 8। अब हमारे पास जो थर्ड डिजिट है वो है 5। अब 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर वाले सारे नंबर्स के साथ 1 by 1। इसको करने से पहले सबसे पहले हम जो ऊपर जो 2 डिजिट लिखे हुए हैं इनके नीचे हमें 0 लिखे हैं। अब ये 5 4 20, 0 लगा 2 कैरी से 5 6 30, 30 में 2 कैरी डाला तो ये हो गए 32, 2 लिखेंगे 3 कैरी आ जाएगा और 5 5 25 में कैरी डाला 3 तो ये हो गए 28, 28 का 8 लगा 2 कैरी और 7 5 35 में 2 कैरी डाला तो 37 का 7 लगा 3 कैरी और 5 3 15 में 3 कैरी डाला 16 17 18 तो 18 आया, 8 लगा 1 कैरी और 8 5 40 में 1 कैरी डाला तो 41। अब इन नंबर को हम सारों को ऐड कर देंगे, 6 का 6 7 और 4 का ऐड किया तो 11, 1 लगा 1 कैरी, 6 में 1 कैरी डाला तो 7, 8 5 और 2 को हम लोगों ने ऐड किया तो ये आया 15, 5 लगा 1 कैरी, 3 7 और 8 को ऐड किया तो आया 18, 18 में 1 कैरी डाला तो ये 19, 9 लगा 1 कैरी। अब 5 3 7 को ऐड किया तो ये 15 आया, 15 में 1 कैरी डाला तो ये 16, 6 लिखेंगे 1 कैरी और 7 8 और 8 इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 13, 13 में 1 कैरी डाला तो ये होगी 14, 4 लिखा
सॉरी स्टूडेंट्स, 7, 8 और 8 को ऐड करें तो ये आएगा, तो ये आएगा 23 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। हम 4 लिखेंगे और 2 कैरी आ जाएगा, और 1 में 2 कैरी का डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 का 4 नीचे। इस तरह ये डी पार्ट का हमारे पास आंसर है 4346 9 5 7 1 6। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि डिवाइड वाली ये वाले क्वेश्चन है सारे। तो आइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम सॉल्व करते हैं कि पार्ट्स को भी सारों। क्वेश्चन नंबर 6 इसका ये पार्ट है 666,993 इसको डिवाइड करना 33 पे। तो ये हमें 6693 इसको अंदर लिखेंगे, 33 पे डिवाइड करेंगे। 66 सबसे पहले हम डिजिट लेंगे तो ये 2 पे जाएगा, 33 को 2 पे गया ये तो 66 है, 33 2 66। अब इनको माइनस करें तो ये 0 के 0 आ गया। अपन ऊपर से 2 डिजिट उतारेंगे 6 और 9, क्योंकि अगर हम 6 को उतारें तो 6 तो 33 से छोटा है, और इसलिए हम साथ 9 को भी उतारेंगे। और ये मैथ का रूल है स्टूडेंट्स के, अगर 2 डिजिट नीचे उतारें तो ऊपर हम 0 लिखते हैं। फिर 69 है, 69 को 33, ये भी 2 पे जाएगा, 33 2 66, क्योंकि 33 को ये देखिए 3 पे करें तो ये ज़्यादा हो जाता है, ये 99 आ जाता है, इसलिए हम 2 पे करेंगे, क्योंकि हमें छोटा नंबर लेना होता है, बड़ा नंबर नहीं लेना होता। तो 33 2 66, आप 9 से 6 माइनस किए तो 3 छोटा है, जो 33 से ऊपर से हम 3 नीचे उतारेंगे 33, अब ये 1 पे जाएगा, 33 1 से 33, और बाकी रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 0। इस तरह हमारे पास इसको डिवाइड करके हमारे पास, यानी कि 6693 को डिवाइड किया 33 पे तो हमारे पास आंसर क्या है, 2021। अब इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है 35788, इसको डिवाइड करना है 42 पे, यानी कि 42 पे डिवाइड करना है आपने। तो ये देखिए 35788 को हम अंदर लिखेंगे और 42 पे डिवाइड करेंगे, हमने 6 पे जो है डिवाइड किया है तो 252 है, और 7 पे डिवाइड किया है तो 294 है, और 8 पे किया है तो 336 है, और 9 पे किया 378 है। ये 378 जो है वो 357 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको 8 पे करेंगे, यानी कि 336। तो ये 42 के 8 पे किया है तो ये हो गया 336। अब मैंने 7 से 6 माइनस किया 1, 5 में से 3 माइनस किया 2, और 3 में से 3 माइनस किया तो 0 0। अब 21 चूँकि छोटा है 42 से, हमें इसलिए 8 नीचे उतारेंगे तो ये 218 हो जाएगा। अब ये 218 ये किस नंबर पे जाएगा, 42 को 5 पे किया तो ये 210, यानी कि 5 पे किया, ये देखिए 42 को 5 पे किया 210, और 42 को 6 पे करें तो 252 आता है, तो 252 तो ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर बनता है, इसलिए हम इसको 5 पे ही करेंगे, 42 को 5 पे 210। अब 42 5 से 210, अब हम माइनस करेंगे तो 8 कहते हैं, इसे आ जाएगा 1 में 1 माइनस के 0, 2 में 2 माइनस के 0, 8 जो को छोटा है 42 से, इसलिए हम ये नेक्स्ट डिजिट वो नीचे उठा लेंगे तो ये हो जाएगा 88। अब 88 42 के 2 पे करें तो 84 आता है। तो इसलिए हम
इसको ये जगह 42 को 3 वगैरह तो 126 आता है, तो ज़्यादा नंबर है बड़ा, तो हम इसको इसलिए 2 पे ही करेंगे। 42 को 2 पे कैसे करेंगे तो 84 आएगा, 84 माइनस के तो 4, इसलिए हमारे पास रिमाइंडर बाकी बच्चा जो है वो है 4 है। तो इस तरह 3, 5, 7, 8, 8 को डिवाइड करें 42 पे तो हमारे पास क्या आंसर रहता है, 852 और रिमाइंडर 4, ये इसका आंसर है बी पार्ट का। अब सी पार्ट है, सी पार्ट क्या है, 251111 की इसको डिवाइड करेंगे 69 यानी कि 69 पे। तो ये देखिए अब इसको अंदर लिखेंगे 251111 को 69 पे करेंगे तो 69 3 2 0 7, क्योंकि 69 को हम अगर 4 पे या 3 पे करें, ये 4 पे ये देखें 276 से ज़्यादा नंबर हो जाता है, इसलिए हमने 3 पे कर लिया 69 3 2 0 7। ये देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ 69 को 3 पे, ये 207 आए, तो 69 3 2 0 7। अब हम माइनस करेंगे, 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकते तो 5 अपने कैरी डालेगा 1 में, तो ये हो जाएगा 11 में से 7 माइनस किए तो 4, अभी बाकी 4 बचा, 4 में से 0 माइनस किए तो 4 का 4 ही नीचे आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस किए तो 0। ये 44 है, 44 चूँकि छोटा है 69 से, इसलिए 1 हम नीचे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 441 यानी 441। और हम इसको किस पे करेंगे, 69 को हम 6 पे करेंगे तो ये 414 आ जाएगा, तो 7 पर 483 आता है, ये तो ज़्यादा नंबर बनता है, तो हम 6 पे करेंगे, 69 को 6 पे गया 414। आप माइनस करेंगे, 1 में से 4 माइनस नहीं होता है तो 4 आपने कैरी डालेगा 1 में, तो ये हो गया 11 में से 4 माइनस किए तो हो गया 7। अभी इधर 3 बचा, 3 में से 1 माइनस किए 2, 4 में से 4 माइनस किए तो 0। अब 27 जो कि छोटा है 69 से, इसलिए हम ऊपर से 1 जो है वो नीचे उतारेंगे, ये हो जाएगा 271। तो इसको हम किस पे करेंगे, 3 पे, 69 को 3 पे के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 207 आएगा इसका। ये 69 को 4 पे करें तो ये 276 आता है, तो ये तो बड़ा नंबर है, इसलिए हम 3 पे करेंगे, 69 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 207। तो इसका माइनस करें, 1 में से 7 माइनस नहीं होता तो 7 अपने कैरी डालेगा 1 में, ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 माइनस किए तो 4, 6 में से बाकी तो 6 बचा, 6 में से 0 माइनस करें तो 6, और 2 में से 2 माइनस करें तो 0, चलिए इसका रिमाइंडर बचा 64। और जो इस सी पार्ट का जो आंसर हमारे पास आया डिवाइड होकर 363 और रिमाइंडर 64। अब डी पार्ट है, डी पार्ट के जो है नंबर 2800 इसको डिवाइड करेंगे 1000 पे, तो ये देखिए इसको डिवाइड किया 2800 को अंदर लिखा 1000 पे, 1000 को हम 28 पे करें तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, इसे हमारे पास बाकी रिमाइंडर बचेगा 0 और इस तरह इसका आंसर आएगा 28। अब इसका ई पार्ट है, ई पार्ट के जो है वो क्या नंबर है, 58580 इसको डिवाइड करेंगे हम 10 यानी कि 10 पे, तो ये देखिए हमने डिवाइड किया 58580 इसको अंदर लिखा 10 पे डिवाइड किया, 10 5 50, 8 में से 0 माइनस किया तो 8, अब 5 को नीचे उतारें क्योंकि 8 छोटा 10 से 85, तो 10 8 80, अभी 5 में से 0 माइनस किया तो 5, अब ऊपर से हमें 8 नीचे उतारेंगे 58, तो 10 5 50, अब 8 में से 0 माइनस किया तो 8, बाकी ऊपर वाले 0 जो वो नीचे उतारेंगे क्योंकि 8 छोटा 10 से, तो 10 8 80, इस तरह हमारे पास रिमाइंडर बचा 0। और इस तरह ई पार्ट में भी है कि इस क्वेश्चन को 10 के साथ डिवाइड किया 58580 को, तो हमारे पास आंसर क्या है 5858। अब एफ पार्ट है,
पार्टी नंबर क्या है 2810 4 से बात करना 28 पर यानी कि 28 पर, तो 2810 4 को अंदर लिखेंगे और 28 पे जो है वो डिवाइड करेंगे। तो ये 28 ये 1 पे जाएगा, 28 1 28 माइनस करें तो 0 का 0। अब नेक्स्ट 2 डिजिट हम जो है वो नीचे उतारेंगे 1 और 0 टेन, और जब 2 डिजिट नीचे उतारे तो मैथ का रूल है कि ऊपर 0 लगते हैं, तो ये ऊपर 0 लगेगा, ये होगा 10। अभी 10 जो है वो 28 से छोटा है तो हम 4 भी नीचे उतारेंगे, क्योंकि तीनों डिजिट 1 0 4 कट्ठे एक साथ नीचे उतरेंगे तो ऊपर भी ऊपर जो है वो 2 0 लगेंगे। तो अब 28 को 3 पे हम करेंगे तो ये आएगा 84 है, क्योंकि 28 को 4 पे करेंगे 112 होता है, 112 तो ज़्यादा नंबर है, इसलिए हम 3 पे करेंगे तो 28 को 3 के साथ किया जाएगी 84। अब इनको माइनस करें, 4 में से 4 माइनस किया 0, अब 10 में से 8 माइनस किया तो 2, ये हमारे पास है रिमाइंडर बचा। इस तरह हमारे पास इसका आंसर आया 1003 रिमाइंडर 20। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज 27 और 28 पेज पे। तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। हम मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।